आईपीएल 2022 के 62वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस के हाथों एक और हार का सामना करना पड़ा। सीजन 15 में चेन्नई की यह 9वीं हार थी। इस मैच में धोनी की टीम 4 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी और 19 साल के युवा तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में ही धमाल मचा दिया था। यह खिलाड़ी सीजन की शुरुआत से पहले मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स ने श्रीलंका के 19 साल के पेसर मथिसा पथिराना को न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिलने की जगह अपनी टीम में शामिल किया था। मथिसा पथिराना को जूनियर मलिंगा के तौर पर जाना जाता है। पथिराना ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच में डेब्यू किया था। उन्होंने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर गुजरात के ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल को LBW आउट कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस मैच में मथिसा पथिराना ने 3.1 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट झटके। मथिसा पथिराना का बॉलिंग एक्शन श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा से काफी मिलता है, इसलिए उन्हें जूनियर मलिंगा के नाम से भी जाना जाता है। मथिसा पथिराना इस साल वेस्टइंडीज के आयोजित हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 4 मैच खेले और 27.28 की औसत से 7 विकेट लिए। इस दौरान उनकी इकोनॉमिक 6.16 रही। 19 साल के तेज गेंदबाज पथिराना 2020 में भी श्रीलंका की अंडर-19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे।